हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जैसे नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एक बात ये पता चला कि एसएससी ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है। आपके फेज सेकेंड का पेपर बदल दिया है, फेज वन में बहुत सारे बदलाव है। तो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो किया जा चुका है, लेकिन एसएससी के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो चेंजेस किए गए हैं उसकी छोटी छोटी बारीकियों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। मैं पॉइंटर के फॉर्म में आपको सारे के सारे चेंजेस बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज जो चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आए वो है आपकी वैकेंसी। पॉइंट नंबर वन करके नोट कीजिएगा, इस बार एसएससी सीजीएल में जो चेंज के फॉर्म में मिला है वो बहुत बड़ा बदलाव ये है कि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। और तो चेहरे पे ये मुस्कुराहट वाली बात है। दूसरा जो बड़ा चेंज है वो ये है, आपका जो फेज़ वन का एग्ज़ाम है ना वो क्वालिफाई कर दिया गया है। अब ये क्वालिफाई होने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसे पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं आपके फेज़ टू के एग्ज़ाम के बाद और फाइनल सेलेक्शन में। तो फेज़ वन क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें एक और बात समझना है कि इसमें और क्या बदलाव किया गया है। सिर्फ इसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया है, बाकी इसका जो पैटर्न होता है आपका मैथ्स, इंग्लिश, जीके और जीएस, या जिसको जीए के नाम से आप जानते हो, और रीजनिंग जो है, इनके वही 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर का पेपर रहने वाला। तो इसको पेपर का पैटर्न नहीं बदला गया है, लेकिन इसको क्वालिफाइंग नेचर बना के इसे डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अब इस एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। असली जो लड़ाई है सिलेक्शन की वो आपका फेज़ टू है। तो पहला बदलाव वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरा जो बदलाव है फेज़ वन के एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, और जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है ना वो सिर्फ और सिर्फ फेज़ टू के हिसाब से बनने वाली है। और तीसरा सबसे जो बड़ा बदलाव वो ये है कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। तो नो डिस्क्रिप्टिव पेपर अब से सीजीएल में। तो बदलाव क्या हो गया? बदलाव हुआ फेज़ वन क्वालिफाइंग, मेरिट लिस्ट आपकी टीयर टू के हिसाब से, और डिस्क्रिप्टिव पेपर का ना होना। इसके अलावा फेज़ टू में भी बदलाव किया गया है। फेज़ वन में जो है आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे नहीं बदला गया है, उसका पैटर्न नहीं बदला गया है, सिर्फ नेचर बदला गया है, अब वो क्वालिफाइंग है। बात करते हैं जो टीयर टू का एग्ज़ाम है वो सेक्शन वाइज होना है, और सेक्शन ऐसे बनाया गया है कि सेक्शन वन में आपके मैथ आने 30 नंबर के, और रीजनिंग का रोल यहाँ पर बनाया गया है 30 नंबर की जो है रीजनिंग है। और जब आप फेज सेकंड दे रहे होंगे तो हर क्वेश्चन अब आपका 3 नंबर का होगा, मतलब मैथ्स 180 नंबर का 90 मार्क्स का होगा और रीजनिंग 90 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये सेक्शन वन जो है होगा एक घंटे का सेक्शन होगा, और एक घंटे में जो है आपको 180 नंबर्स में से नंबर्स बनाने होंगे, और ये आपके मेरिट लिस्ट में काम आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका दूसरा सेक्शन बनाया गया है, जिस सेक्शन में आपके पास जो है 45 क्वेश्चन इंग्लिश के जो है और 25 क्वेश्चन जो है जीएस के आएंगे। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, मैथ का वेटेज कम किया गया है पर इंग्लिश का वेटेज कम, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किया गया पर वेटेज स्टिल 45 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जीएस का रोल मेंस के पेपर में, मतलब फेज टू के पेपर में डाला गया है, 25 क्वेश्चन जीएस के आने वाले हैं। और सेक्शन टू में भी आपको एक घंटा मिलना है, मतलब 45 क्वेश्चन जो इंग्लिश आएगा और 25 क्वेश्चन जो जीएस आएगा, इसके लिए भी आपको एक घंटा मिलने वाला है, और टोटल मिला के दोनों ये 70 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर के दोनों होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, अब आपका कंप्यूटर का नॉलेज भी चेक किया जाएगा, और इसके 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, और आई थिंक कि कंप्यूटर की नॉलेज को चेक करने के लिए 15 मिनट भी सफिशियंट होता है। तो अब आपका फेस जो सेकंड है वो फेस सेकंड में जो सब्जेक्ट्स हो गए वो हो गया मैथ्स, हो गया रीजनिंग, हो गया इंग्लिश, हो गया जीएस, हो गया इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज हो गया। मतलब 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके लिए आप अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, और टीचर्स सारे के सारे टीचर्स आप लोगों के साथ रहेंगे, आपकी ये फेज सेकंड की तैयारी में आपको बहुत सारा मदद करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो CPT और डेस्क का जो टेस्ट होना था ये ऑलरेडी होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट होना नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें, बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर 3 नंबर का है नेगेटिव मार्किंग कितनी है। नेगेटिव मार्किंग जो है इसका 1/3 है, मतलब 3 मिलेंगे या 1 घटेगा, मतलब ऐसा +3 -1 ये हिसाब किताब है। लेकिन टीयर 1 की अगर बात किया जाए तो एज यूजुअल जो है आपके पहले 1/4 जो है मार्क्स नेगेटिव जाते थे, अभी भी 1/4 ही है, लेकिन फेज सेकंड में ये है 1/3 कर दिया गया है। और ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम है फेज सेकंड वाले सब सेम डे पे होने हैं, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सारे के सारे जो है आपको सेम डे पे होने वाले हैं। और डेस्ट जो आपका टेस्ट होता है इसमें 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में टेस्ट किया जाएगा, इस बात का खास करके ध्यान रखना है। और कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है आपका ना CPT और डेस्ट, ये दोनों जो मॉड्यूल है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स जुड़ने हैं या मार्क्स एलोकेट होने हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है।
और एक बात आपको समझना है कि ये बहुत मैंडेटरी हो गया है इस वक्त, जो सबसे बड़ा बदलाव है फेज सेकंड में आपके सब्जेक्ट में, जो 5 सब्जेक्ट डाले गए हैं, आपको सेक्शन वाइज जो है कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा और आपको एडवांटेज बता देता हूँ कि कई बच्चों के क्या होते हैं, मैथ्स जो है थोड़ी वीक होती है, रीजनिंग जो है उसकी थोड़ी सही होती है, लेकिन अगर देखोगे तो सेक्शन वन में मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है और आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ में करना है फिर रीजनिंग में करना है, आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना है। दूसरा जो सेक्शन आता है उस सेक्शन में आपकी इंग्लिश है और साथ में GS का सेक्शन है, और इन दोनों को मिला के आपको कट ऑफ क्लियर करना है, और इसके पास कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज में आपको इंडिविजुअली जो है कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, किसी सेक्शन में अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाओगे, पर इतनी बड़ी बात नहीं है, ये डराने वाली कोई बात नहीं है, बस ये अंडरस्टैंड करने लायक है कि ये बदलाव किए गए हैं आपके एग्जाम में, ये मेजर बदलाव है जो आपके एग्जाम में किए गए हैं। बाकी इन सब चीज़ों के लिए आपको सारे के सारे टीचर तैयार करेंगे, फेज सेकंड में इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको ना पढ़ाया जा सके। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं रीजनिंग, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जीएस, बस आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ेगा। और एसएससी में अगर जीएस की बात करें ना, तो जीएस एक ऐसा सेक्शन रहा है कि बच्चों को स्टार्टिंग के वो 25 क्वेश्चन करने के लिए भी ना पूरा का पूरा जीएस पढ़ना पड़ता था, अब थोड़ा उनको गहराई से थोड़ा समझदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी बदलाव में इतने हैं, अकाउंट्स में और जीएसओ के पेपर में कोई बदलाव नहीं किया गया, उनका पेपर वैसे ही होने वाला है, 200 नंबर का पेपर आता है वो वैसे ही होगा। तो अभी किस वीडियो में इतना ही, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम जो है आपको पार्सल करेंगे।